एक और किसान आंदोलन को लेकर बातचीत का दौर है। किसान आंदोलन पर अड़े हैं। कांग्रेस किसानों के समर्थन में देश भर में आंदोलन कर रही है। इसी तहत पीथमपुर में भी मशाल जुलूस निकाला गया। 31 दिसंबर की देर शाम आइजर चौराहा ब्रिज से किसानों के समर्थन में युवा कांग्रेस के तत्वाधान में मशाल रैली निकाली गई। यह रैली आजाद चौराहा मुख्य मार्ग होते हुए पीथमपुर थाने पर पहुंची। रैली में कार्यकर्ता झंडा लेकर चल रहे थे और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मशाल रैली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज सिंह गौतम, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पिंटू जायसवाल और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। थाने पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन पीथमपुर थाना प्रभारी चंद्रमान सिंह चाढ़ार को सौंपा गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। केंद्र संशोधन नहीं करती तब तक किसान मानने वाले नहीं है। अतः महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान विरोधी बिल को संशोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद। रोल। आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर पीथमपुर शहर में मशाल रैली का आयोजन किया गया। आप लोगों की जानकारी में किस प्रकार अन्नदाताओं के साथ छलावा किया जा रहा, किस प्रकार कृषि के काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए गए हैं, जिस कानून से किसानों का क्या नुकसान होना आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज किसान किस दौर से गुजर रहा है, सीधी सी बात है, किसान हंसता है तो देश हंसता है, और आज किसान रो रहा है तो पूरे देश को रोना है, आपको रोना, हमें रोना। इन अन्नदाताओं की लड़ाई में हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आना होगा और इन किसानों की लड़ाई को जब तक लड़ना होगा जब तक उनको उनके अधिकार नहीं मिल जाते। और हम कांग्रेस परिवार के माध्यम से ये वादा करते हैं कि जब तक कांग्रेस किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा हम टस से मस होने वाले नहीं हैं। उनके अधिकारों तक उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी और जोर शोर से लड़ी जाएगी। ये मशाल रैली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को आगाह कराया है कि ये चिंगारी उठ चुकी है, यदि आप टस से मस नहीं हुए तो ये चिंगारी आपको ले डूबेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।